नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन विश्वविद्यालय के जुलाई सत्र का आज से प्रवेश प्रारंभ हो गया है। और आज जो प्रथम छात्र जो हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम अंश सिंह है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताश्री का नाम मिस्टर मनोज कुमार सिंह है और मेरी माताश्री का नाम मिसेज अर्चना सिंह है। और अभी मैं बीटेक ईसीई एमएनएनआईटी इलाहाबाद से कर रहा हूँ। अंश जी, इस विश्वविद्यालय के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली और आप यहाँ प्रवेश ले रहे हैं, तो इसके बारे में कहाँ से आपको जानकारी मिली और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, मेरा इंटरेस्ट हमेशा से फाइनेंस में था और मुझे एक कॉमर्स की डिग्री चाहिए थी। तो जब मैं अपने एनआईटी इलाहाबाद के फर्स्ट ईयर में था तो मैंने वहाँ पे सर्च किया ऑनलाइन गूगल पे कि मतलब मुझे अपना फाइनेंस में कुछ पढ़ना है तो मैं कहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मुझे यूजीसी की गाइडलाइन के बारे में पता चला। उसके तहत हम डुअल डिग्री कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने सर्च किया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ से करना होता है, डुअल डिग्री कहाँ से कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर मुझे ऑनलाइन गूगल से पता चला, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला मुझे। फिर इनके इनकी वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने सर्च किया कि कैसे इनके प्रोग्राम से कैसे क्या है। और वहाँ से फिर मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे मेरे जैसे बच्चे हैं जो डुअल डिग्री करना चाहते हैं, कई सारे ऐसे सरकारी अफसर भी हैं जो आगे अपना फर्दर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। काफ़ी ऐसे मतलब गरीब आए हुए बच्चे हैं जो मतलब अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। और उन ऐसे ऐसे लोगों को इस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। अंश जी, आज प्रवेश लेने आप विश्वविद्यालय कैंपस में आए हैं, कैसा आपको कैंपस लगा और कैसा लगा आपको यहाँ का वातावरण? जी, आज मुझे यहाँ कैंपस में बुलाया गया एडमिशन के लिए, तो कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बड़ा था और काफ़ी हरियाली भी थी यहाँ पे और काफ़ी अच्छे से सब कुछ डेवलप था। एंड फिर मुझे मतलब मैं डायरेक्टर जी से भी मिला और उन्होंने भी काफ़ी प्रेरित किया, काफ़ी मुझे मतलब प्रेज़ किया कि मैं एनआईटी का छात्र हूँ और फिर डुअल डिग्री कर रहा हूँ। काफ़ी मुझे प्रेरित किया उस चीज़ को लेकर उन्होंने, और मतलब सबके सामने इंट्रोड्यूस किया, सभी टीचर से, यहाँ के जो बीकॉम के हेड हैं उनसे इंट्रोड्यूस किया। और फिर मेरी वाइस चांसलर जी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रेरित किया। और डायरेक्टर जी और वाइस चांसलर जी दोनों ने मुझे एडमिशन सेल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नमस्कार सर, आज आपके बालक यहाँ प्रवेश लिए हैं और पहले विद्यार्थी हैं जो इस सत्र में प्रवेश लिए हैं, आपको कैसा कैंपस लगा और यहाँ का माहौल कैसा लगा? नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह प्रयागराज में ही गवर्नमेंट जॉब में सर्विस करता हूँ और आप मेरी मिसेज हैं श्रीमती अर्चना सिंह। मेरा बेटा अंश सिंह, उसको एमएनआईटी प्रथम वर्ष का छात्र है इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसके साथ साथ उसकी इच्छा हुई थी कि मैं उसका रुझान भी था काफ़ी इकोनॉमिक्स की तरफ से, तो उसके लिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आए थे। तो यहाँ का कैंपस जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा ही अच्छा लगा और ख़ासकर यहाँ पे जो सपोर्ट मुझे यहाँ पर मिला विशी सर और डॉक्टर सर का, उन्होंने मतलब बच्चे को काफ़ी मतलब कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से ही उसको समझाया। मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, इसमें मतलब जो प्रतियोगी छात्र हैं जो ड्यूल कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। ख़ासकर जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे तरह के जो भी सरकारी नौकरी है उसमें लोग हैं वो भी अगर चलना चाहें, जैसे MBA हुआ या और भी कोई कोर्स हुआ, उसके लिए ये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय बहुत अच्छा अवसर प्रदान करती है। धन्यवाद।